बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कॉमेडी टाइमिंग की बात करें मस्त लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा किया, एक चीज जो बहुत ही अच्छी लगी। हाँ बहुत, जो मेरा अक्षय कुमार का जो स्टाइल था, उसका बोलने का स्टाइल तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाला के बारे में तो और अच्छा, खूबसूरत, सबसे अच्छा अच्छा लगा। ओके कितना साल लेना चाहिए भाई ऑटो? अरे बहुत हो सकता है, पूरा स्टार होना चाहिए, 5 5 5 5 देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ भाई फिल्म में हिट होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ फिल्म हिट होना चाहिए भाई, बहुत अच्छा है। ओके कॉमेडी कैसी लगी आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके जो पूरा जन्म का पता है कि वापस जन्म लेंगे वो कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके भाई ऑटो कितना साल लेना चाहिए? बहुत आना चाहिए, थैंक यू। ओके तो हाउसफुल बोर्ड देखिए आपने कैसी लगी आप सब? बहुत अच्छी। ओके कॉमेडी टाइमिंग की बात करें तो कॉमेडी सबसे ज्यादा किसकी अच्छी लगी? अक्षय और रितेश। ओके वन थिंग जो बहुत ही अच्छी लगी आपको मूवी में, ऐसी कौन सी चीज है? शाही तलवार वाला एक सीन आता है वो। ओके बाला के बारे में क्या चैलेंज? जो बाला चैलेंज जो सबको बहुत पसंद आ रहा है, वो न्यू है, न्यू स्टेप निकला है अभी। ओके पुनर्जन्म का जो बताया गया है उसमें कितना विश्वास करते हैं और कितना खरा उतरा है ये मूवी? ये तो शरण ही बताएगा, ये आर्ट स्टूडेंट फिलोसफी। द कांसेप्ट वाज नाइस ओवरऑल। विश्वास विश्वास तो कुछ नहीं, बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बस अच्छी है मूवी। ओके 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5 स्टार। ओके लास्टली वुड यू लाइक टू डू अ बाला चैलेंज? नो, आई डांस करनी है। ओके थैंक यू गाइस। ओके तो हाउसफुल मूवी देखिए आपने कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ओके कॉमेडी की बात करें तो सबसे अच्छी आपको कॉमेडी किसकी लगी? अक्षय कुमार की। ओके तो हम कह सकते हैं कि ये दिवाली गिफ्ट है अक्षय कुमार की तरफ से? हाँ कह सकते हैं। ओके बाला के बारे में क्या कहना चाहेगा? और नंदी के जो अरिवेश ने कैरेक्टर निभाया उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अक्षय कुमार का कैरेक्टर तो कुछ ज़्यादा अच्छा था, दैट बाला सॉन्ग वाला, और रितेश देशमुख का भी ठीक था। ओके 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5 1 5। ओके तो हाउसफुल मूवी देखिए आपने कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, अक्षय कुमार की एक्टिंग और रितेश देशमुख की कॉमेडी बहुत अच्छी है, तीनों पार्ट से तो हटकर है। अक्षय कुमार ने अच्छी कॉमेडी की, बाला और हैरी वाला भी दोनों पार्ट अच्छे है, और ब्लॉकबस्टर जाएगी, सबको दिवाली अच्छी मिलेगी। ओके कॉमेडी की बात करें तो तीनों में से सबसे अच्छी कॉमेडी किसकी लगी आपको? मेरे को दोनों की है, रितेश और अक्षय कुमार की लगी। ओके बाला के बारे में बात करें तो कितना अच्छा लगा आपको बाला? बाला भी अच्छा है लेकिन हैरी उसके हटकर है थोड़ा। ओके 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5 out of 5। गाने एक चुम्मा और बाला वाला अच्छे है, डायलॉग भी अच्छे, कॉमेडी है, मज़ा आया, एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ आएंगे, दोस्त के साथ आएंगे, सब एंजॉय करेंगे, ठीक है। ओके तो जश्न आपने मूवी देखी हाउसफुल 4 कैसी लगी? बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत फर्स्ट क्लास मूवी है, सबको देखनी चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तो हाँ बस यही कहना चाहूँगी मैं। ओके कॉमेडी टाइमिंग की बात करें तो सबसे अच्छी कॉमेडी टाइमिंग किसकी लगी आपको? अक्षय कुमार। बाला के बारे में क्या कहना चाहिए आप? अगर मैं अभी तक हंस रही हूँ तो आपके सब जवाब आई गेस मिल चुके हैं आपको। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे कैरेक्टर, सबने पकड़ के रखा, किसी ने बोर नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को लगा कि यार मैं एक मूवी क्यों देखने आ गया, मेरे को 2 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा। नवाज बहुत ही क्यूट लग रहे हैं डांस करते हुए, अगर वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो बहुत बहुत क्यूट लग रहे हैं जो भी नवाज के फैंस हैं। बेस्ट सीन एक्चुअली सभी बेस्ट थे, मतलब पंचेज इतने प्यारे थे कि मैं कोई एक पिक करके नहीं बता सकती क्योंकि आई वॉज कॉन्स्टेंटली लाफिंग। तो मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए, सस्पेंस नहीं तोड़ते हुए मेरे को ये कहना है कि सब देखो, जिसको बिल्कुल खुल के हंसना हो खुल के हंसने के लिए आओ, दिमाग मत लगाओ बस। और जब बाला बाला गाना आया था थिएटर में कैसा? बहुत प्यारा, एक्चुअली थिएटर में इतने कम लोग थे क्योंकि ये पहला शो है मे बी सो, तो बट ये अच्छा था, उनका इंट्रोडक्शन भी अच्छा था, मेरे को एक चुम्मा गाना भी अच्छा लगा, प्लस नवाज वाला गाना भी वॉज नाइस, एंटरटेनिंग पार्ट था नवाज का भी। रितेश देशमुख वाला ट्विस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे से अभी किसी ने पूछा था कि कौन सी जोड़ी अच्छी लगी तो मैंने यही बोला रितेश और पूजा, बिकॉज उनकी कैरेक्टर ही कुछ ऐसा ही था तो इसलिए। 20 स्टार्स, आई एम गिविंग 20 स्टार्स टू दिस मूवी, थैंक यू। हाउसफुल 4 बहुत ज़बरदस्त है यार, मतलब मैं बता नहीं सकता, अभी भी पेट दुख रहा है मेरा और मैं 3 घंटे हंसा हूँ सिर्फ, मतलब और कुछ नहीं किया, अगर जितने भी स्टार बोलोगे मैं उतना दे सकता हूँ, बस अगर जितना इंटेलेक्चुअल लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ दिमाग मत लगाएं कि ये क्यों हो रहा है, कौआ इधर किधर, वो मत लगाओ, हंसो सिर्फ, इंजॉय करो और कुछ नहीं है फिल्म के अंदर। कॉमेडी की बात करें तो तीनों में से
सबसे अच्छी कॉमेडी आपको किसकी लगती है? आपको क्या लगता है किसकी हो सकती है? अक्षय कुमार और जोड़ी की बात करें तो तीनों जोड़ी में से सबसे अच्छी जोड़ी कैसी किसकी लगी आपको? जोड़ी एज अ हीरो हीरोइन अक्षय एंड कृति। ओके, नवाज की भी एक स्पेशल, नवाज का कैमियो वो आपको बहुत याद रहेगा, टेक अवे है वो आपके लिए, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है। बहुत दिनों बाद मैंने उनको कॉमिक टाइम में, नहीं तो सीरियस देख देख के ऐसा हो गया था, अक्षय कुमार सीरियस देख के बोर हो गया था मैं तो लिटिल बिट, बट इस कैरेक्टर में उन्होंने खत्म कर डाला, सबको खत्म कर डाला। ओके, 5 5 6 7 8 9 10 थैंक यू।